बुंदेलखंड किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। तहरौली झांसी में बुंदेलखंड किसान यूनियन के तत्वाधान में आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को उप जिलाधिकारी टहरौली के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें टहरौली तहसील के सभी ग्रामों में उर्द मूंग की फसल संपूर्ण रूप से एवं तिल मूंगफली एवं पिपरमेंट की फसल लगभग 80% इल्ली नामक कीट के प्रकोप से नष्ट हो चुकी है, जिसकी प्लांट टू प्लांट सर्वे कराकर रिपोर्ट शासन तक पहुंचाने की मांग की गई है, जिसमें तहसील टहरौली के किसानों को नष्ट हुई फसलों का बीमा एवं मोर्चा का लाभ मिल सके। बुंदेलखंड किसान यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल उपजिलाधिकारी महोदय से मिला, जिसमें सुरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुलाब सिंह पटेल, धामना जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र पटेल, बघेरा किसान नेता पुष्पेंद्र पटेल, खीरिया प्रदेश अध्यक्ष दीपक जैन, मंडल प्रभारी बैकुंठ यादव, कालू राम पाल, परशुराम नेता हीरा पूरी, गोस्वामी सुधीर पटेल एवं सैकड़ों क्षेत्रीय किसान मौजूद रहे। झांसी से विक्रम पटेल की रिपोर्ट। क्या मामला था आपका? मामला है किसानों की फसल उड़द और मूंग की फसल पूर्णतः नष्ट हो गई है, जिसके बारे में हम लोगों ने माननीय उपजिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी के लिए माननीय उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है। एवं मूंगफली, तिल और पेपरमेंट की फसल भी लगभग 80% खराब हो चुकी है इल्ली के प्रकोप से जी। इसकी मांग सरकार द्वारा की है कि किसानों को मुआवजा एवं बीमा का लाभ मिले। बस देखते हैं सरकार